रतलाम जिला अस्पताल में दो मुंह और तीन हाथ वाले बच्चे का जन्म हुआ। जन्म के कुछ घंटे बाद ही बच्चों को इंदौर MY अस्पताल में सीनियर डॉक्टर्स के पास भेजा गया। मां रतलाम जिला अस्पताल में भर्ती है। बच्चे को अभी MY अस्पताल में ही ICU में ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा। डॉक्टरों का कहना है कि ऐसे बच्चे का जन्म मेडिकल साइंस में किसी चमत्कार से कम नहीं। करोड़ों में एक केस ऐसा होता है, इसे पॉलीसेफली कंडीशन कहा जाता है। जानकारी के मुताबिक जावरा के नीम चौक निवासी शाहीन पति सोहेल खान ने शाम 7:29 पर बच्चे को जन्म दिया। सोनोग्राफी में यह बच्चा जुड़वा जैसा दिख रहा था। SNCU प्रभारी डॉक्टर नावेद कुरैशी ने बताया कि बच्चे की हालत नाजुक है। इस तरह के केस में 35% बच्चे गर्भ में खत्म हो जाते हैं, जबकि 40% बच्चे जन्म के 48 घंटे तक ही जिंदा रह पाते हैं। सर्जरी का ऑप्शन रहता है, लेकिन इसके बाद भी 60 से 70% बच्चे नहीं बच पाते। रतलाम में इससे पहले 2018 और 19 में इस तरह के दो केस आए थे। बच्चा हुआ जिसे हम लोग कोजाइन ट्विंस बोलते हैं, ठीक है। इस बच्चे को जो बच्चा हुआ, इसके दो सर हैं, दो पांव हैं और तीन हाथ हैं। ऐसे बच्चे मुश्किल से 1.5 से 2 लाख में कोई एक बच्चा पैदा होता है। जब बच्चे का जब माँ के पेट में जब फर्टिलाइजेशन होता है, जब एग बनता है, उसके बाद अगर कोई मेलफॉर्मेशन होता है तो उसके कारण इस तरह के बच्चे पैदा होने की संभावना रहती है, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा रेयर होता है। इसका अभी डिटेल में सीटी स्कैन, MRI और बाकी सारी इन्वेस्टिगेशंस करने के बाद ये डिसाइड किया जा सकता है कि इसका ऑपरेशन करना है, लेकिन ऑपरेशन करने के बाद भी 30 से 40% बचने की ही संभावना होती है, जो कि रतलाम में संभव नहीं है। तो इसको हम लोग हायर सेंटर पर बच्चे को रेफ़र कर रहे हैं।